बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आई एम समरा रशीद, योर साइंस टीचर हियर इन बीएफसी नुशहर ऑफ रोज। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, एज वी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर अबाउट मेटल्स, ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लास्टिक। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज प्लास्टिक, ओके, सो लेट यू स्टार्ट। Dear students, plastic are materials that are not found naturally but are made from chemicals extracted from oil. Dear students, plastic जो है वो ऐसा material है जो हमें naturally नहीं मिलता, वो हमें कहाँ से मिलता है? Oil से, okay? प्लास्टिक जो है बेटा वो एक ऐसा मटेरियल है जो हमें नेचुरली नहीं मिलता। जैसे कि नेचुरली मटेरियल कौन से होते हैं? जैसे कि वुड, रॉक्स, माउंटेन्स, ये सब क्या हैं? नेचुरली मटेरियल हैं, ओके। सो प्लास्टिक आर मटेरियल्स डेट आर नॉट फाउंड नेचुरली। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो नेचुरली नहीं पाया जाता, लेकिन बनाया किससे जाता है? एक केमिकल से या ऑयल से, ओके। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ एंड कैन बी मेड इन टू एनी शेप एंड और कलर। मैनी प्लास्टिक कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट। द स्टूडेंट, प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वाटर प्रूफ होता है, यानी कि प्लास्टिक के अंदर से पानी पास नहीं होता। पानी जब प्लास्टिक जो है वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, और प्लास्टिक जो है उसकी कोई भी शेप हो सकती है, उसे हम किसी भी शेप में ला सकते हैं। प्लास्टिक के बहुत से कलर्स होते हैं और प्लास्टिक जो है उसके बहुत से कलर्स होते हैं और प्लास्टिक जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट कैसे होता है? जैसे कि कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसमें से हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती, ओके। अगर हम उसे अपनी आइज़ के सामने रखेंगे तो हमें सामने वाली चीज़ नहीं दिखाई देगी, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स जैसे कि बेटा अगर हम इस ग्लासेस के देखेंगे तो ये जो ग्लासेस के जो प्लास्टिक हैं, ये जो इसके लेंसेज हैं, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट हैं, ओके। ये ग्लासेस क्या है? ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इससे हमें बहुत साफ दिखाई देता है। अगर हम इस जार को देखेंगे तो ये जार क्या है? ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि इससे हमें कुछ भी दिखाई, अगर हम ये अपनी आइज़ के सामने रखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, ओके। तो ग्लासेस जो है बेटा वो क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ओके स्टूडेंट्स। देयर आर नॉट मैग्नेटिक एंड डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो है वो मैग्नेटिक भी नहीं होते और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। बेटा प्लास्टिक के मटेरियल जो होते हैं उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होती। किसके अंदर से कंडक्ट नहीं होती? प्लास्टिक के अंदर से, ओके। प्लास्टिक आर यूज टू मेक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स सच एज प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड टॉयज। जे स्टूडेंट, प्लास्टिक जो है उसे हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड टॉयज। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक टॉयज एंड प्लास्टिक बॉटल्स। इनके अलावा भी हम प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम प्लास्टिक। हम प्लास्टिक से बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी डिफरेंट प्लास्टिक टॉयज। बेटा यहाँ पर आप डिफरेंट प्लास्टिक टॉयज देख रहे हैं। इन प्लास्टिक टॉयज की डिफरेंट शेप है और इनके डिफरेंट कलर्स हैं, ओके। बेटा इन सब की शेप भी क्या है? चेंज है, ओके। जस्ट लाइक अगर हम इस स्पून को देखेंगे तो इस स्पून की शेप क्या है? चेंज है, और इसका कलर भी क्या है? चेंज है, ओके। अगर हम इस प्लेट्स को देखेंगे तो इन प्लेट्स की शेप भी क्या है? चेंज है, और इसका कलर भी क्या है? चेंज है, ओके स्टूडेंट्स। सो एवरी प्लास्टिक मटेरियल शेप हैज़ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट कलर्स, ओके। हर प्लास्टिक की शेप क्या होती है? डिफरेंट शेप होती है, और उसके कलर्स भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ओके। और प्लास्टिक जो है वो डिफरेंट शेप में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी प्लास्टिक बैग। बेटा जैसे कि आप यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग देख रहे हैं, प्लास्टिक बैग की भी क्या होती है? शेप चेंज होती है, और कलर भी क्या होता है? डिफरेंट होता है, ओके।
जैसे कि ये प्लास्टिक बैग है, इसकी शेप भी डिफरेंट है और इसका कलर भी डिफरेंट है, ओके। और ये प्लास्टिक क्या है, ये भी क्या है बेटा, ट्रांसपेरेंट है। हम इस प्लास्टिक के नीचे जितना भी मटेरियल है वो देख सकते हैं। सो प्लास्टिक इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओके। बेटा ये जार भी किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का। सो इसकी भी शेप क्या है, डिफरेंट है, ओके। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न टू योर होमवर्क। नाउ टुडे इज़ योर होमवर्क इज रीड बुक पेज नंबर 57। आपको बुक पेज नंबर 57 रीड करना है, प्लास्टिक टॉपिक आपको रीड करना है, और प्लस में आपको क्या करना है, राइट एनी 10 मटीरियल विच इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। आपको 10 कोई भी थिंग्स लिखनी है जो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल बी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।